नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसली। डेली अपडेट में देखेंगे वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा ट्रेन खबरों पर। बीच हवा में खराब हुआ नासिक जाने वाली स्पाइसजेट का ऑटो पायलट, वापस लौटना पड़ा दिल्ली। स्पाइसजेट की एक फ्लाइट को बीच हवा में ऑटो पायलट सिस्टम में खराबी के चलते वापस दिल्ली लौटना पड़ा। इससे पहले भी स्पाइसजेट में तकनीकी खामियां देखने को मिल चुकी हैं। कांग्रेस को झटका, गुलाम नबी आजाद के समर्थन में एनएसयूआई के 36 छात्र नेताओं का सामूहिक इस्तीफा। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में एनएसयूआई के 36 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर के उपाध्यक्ष अनिरुद्ध रैना ने भी इस्तीफा सौंप दिया। कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सोनिया को लिखी चिट्ठी, एक्शन देने की मांग की। बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं और आला कमान तक सीधी पहुंच रखते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से वो पार्टी से लगातार दूरी बनाते दिखे हैं। यूएन की रिपोर्ट में दिखा चीन का असली चेहरा, उइगर मुस्लिमों को बनाया गुलाम, यौन हिंसा और जबरन नसबंदी। आपको बता दें इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ यौन और लिंग आधारित हिंसा हुई और इस समुदाय के लोगों को हिरासत में रखकर कई तरह की यातनाएं दी गई। चीन में फिर कोरोना की मार, डालियान शेनझेन के बाद अब चेंगदू में लॉकडाउन। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए हैं। चीन के एक बड़े शहर चेंगदू में कोरोना लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया गया। सोपोर में हुई मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी ढेर, कई आपराधिक मामलों में थे लिप्त। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। दोनों आतंकी कई आपराधिक मामलों में शामिल थे। 7 बच्चों का पिता, आपको बता दें 7 बच्चों का पिता करने पहुंचा 5वां निकाह। बच्चों ने लड़की के घर जाकर किया जमकर हंगामा। सीतापुर में 7 बच्चों के पिता के चोरी छिपे 5वां निकाह करने का मामला सामने आया, जहां निकाह के दौरान उसके 7 बच्चों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और पिता की भी पिटाई कर दी। आरपीएफ ने किया बड़े गैंग का पर्दाफाश, फर्जी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर 28 करोड़ रुपए के टिकट खरीदकर बेचे। पश्चिम रेलवे के राजकोट डिवीजन की आरपीएफ टीम ने अवैध सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आईआरसीटीसी पोर्टल से लगभग 28 करोड़ के कन्फर्म टिकट खरीदकर हाई कमीशन में बेचने वाले गिरोह के 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर, कई बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण भारत के 2 राज्यों के दौरे पर निकल जाएंगे। आज वह कोचीन हाईवे अड्डे के पास कलाड़ी गांव में आदि शंकराचार्य के पवित्र जन्म स्थान का दौरा करेंगे। हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक सैलाब की तबाही, यूपी बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात, पड़ोसी मुल्क में 1200 की गई जान। भारत और पाकिस्तान में भारी बारिश बर्बादी का सबब बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश से हिंदुस्तान में जहां कई नदियां उफान पर हैं, तो वहीं पाकिस्तान में भी हर तरफ सैलाब आया हुआ है। हिंदू मुस्लिम ने एक साथ मनाई गणेश चतुर्थी, लगाए गणपति बप्पा के जयकारे। कर्नाटक के हुबली के ईदगाह मैदान में जहां गणेश पूजा को लेकर तनाव बना हुआ है, वहीं मांड्या जिले में हिंदू मुस्लिम ने साथ मिलकर गणेश चतुर्थी मनाकर बड़ा संदेश दिया। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों पर एनआईए का बड़ा एक्शन, दाऊद पर 25 लाख और छोटा शकील पर रखा 20 लाख का इनाम। एनआईए ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए का इनाम रख दिया है और डॉन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 1 मिलियन डॉलर का इनाम रखा हुआ है। गूगल ने अपने ऐप स्टोर पर गूगल ने अपने ऐप स्टोर पर डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किया बैन। गूगल ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। गूगल ने कहा कि ट्रंप के ट्रूथ सोशल ऐप ने प्ले पॉलिसी का उल्लंघन किया है, जिसके बाद ये कार्यवाही हुई है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 50,000 से ज्यादा मामले दर्ज, WHO ने संक्रमण को लेकर जारी किया अलर्ट। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के अब तक 50,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं WHO ने कहा कि नए संक्रमणों में गिरावट ने साबित कर दिया कि प्रकोप को रोका जा सकता है। दिल्ली विधानसभा में हंगामा, बीजेपी के 2 विधायकों को पूरे दिन के लिए सदन से बाहर निकाला। दिल्ली विधानसभा में हंगामे के बाद बीजेपी विधायक अभय वर्मा को भी लगातार हंगामा करने पर पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया।
दिल्ली में भी दुमका कांड जैसी वारदात, बात नहीं मानी तो बीच सड़क पर 11वीं की छात्रा कुमारी गोली। दुमका हत्याकांड की तरह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी एक मासूम सन की आशिक की हैवानियत का शिकार हुई है। यहां पहले भी 25 अगस्त को 16 साल की नाबालिग आरोपी मोइन ने गोली मार दी थी। बरसाना में पहली बार राधा रानी के भक्तों को मिलेंगे लाइव दर्शन। सीएम के निर्देश के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बरसाना में पहली बार भक्तों के लिए राधा रानी के लाइव दर्शनों की व्यवस्था की गई है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का खाका तैयार कर लिया है। कार्तिकी सिंह ने खेला जाति कार्ड, बोले नीतीश सरकार में भूमिहार मंत्री देखकर खुश नहीं थी बीजेपी। कार्तिकी सिंह ने बताया कि भूमिहार समाज से आरजेडी कोटे में मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मीडिया ट्रायल करवाया जा रहा था। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जन सेतु, जन से सरोकार।